हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये अभी हमने एक हेलमेट ख़रीदा है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसका जो एमआरपी प्राइस है वो है 1595 रुपये, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, और अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से आप इसे ख़रीद सकते हैं। ये जो मैंने मंगाया है, इसका साइज़ है 580 mm, एल साइज़ है ये, लार्ज। और जो ये मुझे पड़ा है, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है, ये 1250 रुपये का पड़ा है मुझे मार्केट से। अगर आपको कहीं पे मार्केट में अवेलेबल हो तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो 1595 रुपये का ये आपको पड़ने वाला है। तो ये जो कलर है, ये रेड एंड ब्लैक है, शाइन फिनिश में ये, और मॉडल नाम है इसका निंजा इलाइट सुपर D4। तो आइए खोलते हैं इसको, करते हैं अनबॉक्स। ठीक है, खोलते हैं इसको। देखिए गाइस, ये ऐसी पैकिंग में आता है। तो बाकी डिब्बे को एक साइड कर देते हैं। और ये है ये हेलमेट, तो ये शाइन फिनिश में है, इसी में का सेम मैट फिनिश में भी आता है। ये है रेड ब्लैक मॉडल, ये ऑरेंज ब्लैक में भी मिल जाएगा। इसमें कई सारे कलर अवेलेबल हैं, आप नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं, और जो भी आपकी गाड़ी के हिसाब से सूटेबल हो वो आप देख सकते हैं। तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये लिया। इसका जो वेट है वो 1300 ग्राम है, और बाकी डिजाइनिंग आप इसकी चारों तरफ से देख सकते हैं। ये इसका पीछे से है बैकग्राउंड, और ये इसके टॉप से व्यू है, ये फ्रंट से है। ये इसके ये लगी हुई आती है पिनी, इसको आप ऐसे छुटाइए और चलाइए। फिलहाल अभी चिपका देते हैं इसको। तो ठीक है गाइस, अब इसे पहन कर दिखाते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है, और दिखाते हैं फिर इसका फोल्डेबल ये कैसे खुलता है। देखिए गाइस, ये जो इसमें यहाँ का बटन है, इस बटन को दबाकर अगर हम इसे ऊपर उठाएंगे तो ये तरह से खुल जाएगा। तो ये फोल्डेबल वाला हेलमेट है, पहन कर दिखाते हैं लुक कैसा आ रहा है इसे पहनने के बाद में। तो खोलने का ये फायदा है इसके कि आप आराम से पहन सकते हैं इसको, हेलमेट को। और ये देखिए, इनसे ये बंद हो गया और ये बटन दबाया ऊपर को निकल गया। तो इसकी एक बार ये पिन्नी में छुटा कर दिखा देता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है, देखिए कैसा है। और इस साइड से ऐसा है ये लुक, पीछे से कुछ इस तरह से लगेगा और साइड से कुछ इस तरह से लगेगा। तो गाइस, इसको आराम से आप ऐसे ही उठा सकते हैं, और गाड़ी चलते वक्त भी आप एक हाथ से भी इसको ऊपर को उठा सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर को करना पड़ेगा, ऐसे हाथ लगाना पड़ेगा ये, लेकिन खुले हाथ से ही जाएगा वैसे। तो बंद कर दें, और इसका जो शीशा है वो आप इसे कहीं भी इस तरह से रोक सकते हैं, यहाँ रोकना है, यहाँ रोकना है, यहाँ यहाँ, इसमें उसी हिसाब से खांचे ले रखें। तो ठीक है, गाड़ी पर ये कैसा लग रहा है दिखाएंगे आप। ठीक है, साधन है गाड़ी पे। तो ये हमने हेलमेट मंगाया है अपनी स्कूटी के लिए, एंटॉप जो कि रेड एंड ब्लैक कलर की है, तो उसी से मैचिंग करता हुआ ये हमने हेलमेट लिया। तो जब पिन पहन करके इसका कैसा लग रहा है, तो इसे अभी देखते हैं लगाकर कैसा फिट है ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हेलमेट का लुक खले का ही हमारा है, बंद का ये भी चलेगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी काफ़ी ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो से आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगी हो ठीक, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इसे देखकर अपना विचार बना सकें, हेलमेट लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।